हेलो प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं हमारे साथ, हमारी इस छोटी सी यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी पर। आप लोगों के काफ़ी सारे डिमांड आ रहे थे कि जिस तरह हमने मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है, संस्कृत की सीरीज़ स्टार्ट की है, हिंदी की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसी तरह से इंग्लिश के भी हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएं। तो आपके लगातार जो क्यूरीज हमको मिल रही थी उससे रिलेटेड हम आपके लिए एक नया तोहफा लेकर के आए हैं। सर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हमारी इस एकेडमी में मौजूद हैं। सर का शुभ नाम है श्री अमित बर्मन जी और ये इंग्लिश के बड़े स्पेशल टीचर हैं। हमारे बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद सर यहाँ पर आए हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू सर को। सर का अपना एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी है अमित सर ऑनलाइन क्लासेस करके, वहाँ पर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो आप चाहें तो सर के चैनल पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंग्लिश के लेक्चर्स वहाँ से भी अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रामर पोर्शन ऑलमोस्ट वहाँ पर डले हुए हैं और नेक्स्ट ईयर से सर उस पर रेगुलर वर्क करेंगे, तो आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलेंगी इंग्लिश की, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चैनल का नाम याद रखिएगा, अमित सर इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए सर के चैनल पर जा करके, और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। तो आज हम बात करेंगे कि सीजी बोर्ड क्लास टेंथ में मैथमेटिक्स का जो पेपर आता है वो किस पैटर्न पर आता है, किस तरह के क्वेश्चन आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अभी तक के जो आपके पिछले साल के पेपर होते थे उसमें कैसा पैटर्न आता था, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते थे और कितना वेटेज होता था उनका, और अब उनको एनालाइज करके कंप्राइज करके 2022 में किस तरह का पेपर आने वाला है उसके बारे में सर आपको जानकारी देंगे। तो मैंने सर का शुभ नाम आपको बता ही दिया, इंग्लिश के बहुत अच्छे ये टीचर हैं और इनका एक बड़ा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है हमारे शहडोल ज़िले में। आपने नाम सुन रखा होगा, शहडोल शहर का बड़ा फेमस है, हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। बड़ी रिक्वेस्ट के बाद सर वहाँ से यहाँ पर आए हैं, तो आप लोग भी सर को थैंक यू ज़रूर कहिएगा और देखते हैं सर की बातें आपको कितनी समझ आ रही हैं। और जो भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम अगले वीडियो में उनको रिजॉल्व कर सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के मैं सर को आपके हवाले कर रहा हूं और सर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप अपने साथ कोई ना कोई कॉपी, कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई बुक लेकर के बैठेंगे, डायरी लेकर के बैठेंगे और जो भी सर मार्क करवाएंगे उसको आप नोट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कीजिए। अब देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हमारे पास कि हम लंबी लंबी थ्योरीज डिस्कस करें, ग्रामर पोर्शन डिस्कस करें, क्योंकि एक एक पोर्शन को डिस्कस करने में आप समझ रहे हैं एक एक वीडियो बन जाएगा, एक टॉपिक में ही एक एक वीडियो बन जाएंगे, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। 5 तारीख को आपका पेपर है, 5 मार्च को, उसके हिसाब से सर आपको ओवरव्यू देंगे कि आपको क्या पढ़ना है, ज़्यादा नंबरों का कैसे एप्लीकेशन आते हैं, कौन कौन से ऐसे आपको पढ़ने हैं, कौन से लेटर आपको पढ़ने हैं, और बस उन्हीं के प्रिपरेशन आप कीजिए और अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाइए। साल भर आपकी स्कूल नहीं चले, ऑनलाइन क्लासेस चली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आज जो गाइडलाइन देने वाले हैं अगर आप उस पर पालन कर लेते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं, तो निसंदेह आप 80+ 90+ लेकर के इंग्लिश में निकलेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। मैं सर को आपके हवाले कर रहा हूँ, आप सर माइक जो है मैं सर को दे रहा हूँ और अब सर आपको इंग्लिश के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू खान सर, आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और बच्चों के सामने कुछ मेरी बातें जो है वो मैं आज अपनी बातें जो है बच्चों के सामने रखने के लिए शहडोल से यहाँ आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले 5 मार्च को हमारे इंग्लिश सीजी बोर्ड 10th का इंग्लिश के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, तो बच्चे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में एक ऐसा हमारे दिमाग में भ्रम बना हुआ है कि हमें इंग्लिश में बहुत सारी समस्याएँ होती हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी फील प्रॉब्लम इन इंग्लिश ऑल्सो। तो हमें ये देखना है कि हमें इस इंग्लिश के पेपर को कैसे सॉल्व करना है। आप सभी लोगों ने, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है और कुछ जगह पर ऑनलाइन क्लासेस चली हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी चली हैं, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को सभी पॉइंट्स को देखते हुए आज हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें किन किन चीज़ों को बेसिकली फोकस करना है तो हम इस इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाएं। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आप सभी ने लास्ट ईयर
के कुछ क्वेश्चंस पेपर सॉल्व तो किए ही होंगे, उसी के बेसिस पर ही मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहला जो है हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यूज से हमेशा प्रॉब्लम होती है कि सर हम एमसीक्यूज पढ़े तो पढ़े कहाँ से। एमसीक्यूज में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज आपको लास्ट ईयर के जितने भी सेट हैं बस आप उन्हीं से पढ़ लें, उसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। जितने भी आप देख सकते हैं फ्रॉम ऑल द प्रीवियस सेट्स, एमसीक्यूज जो है वो पिछले 3 या 6 जो भी हैं आपके सेट ए से, अगर हम 2018 की बात करें, 2018, 2019 और 2020, 3 साल के जो प्रीवियस सेट हैं उनमें हम ए बी सी अगर देख लेते हैं तो हमारे सामने 9 सेट के क्वेश्चन पेपर होते हैं और उन्हीं में से एमसीक्यूज आपको बिल्कुल ही इसी में से फंसने के चांसेस हैं। नेक्स्ट नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स सबसे जरूरी है। सबसे ज़्यादा बच्चे तो ये कहते हैं कि सर ग्रामर से क्वेश्चन तो उठता ही नहीं है, ज़्यादा ग्रामर से उठता नहीं है, हमें क्वेश्चन आंसर ज़्यादा रटना पड़ता है। बट मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रामर से हमारे सामने कितनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, सिर्फ ग्रामर से क्वेश्चन आंसर उठ रहा है। सबसे पहला है आर्टिकल, जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है। आर्टिकल आपको एक क्वेश्चन आर्टिकल से पूछा जाएगा। आर्टिकल में ए एन द 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, दा कहाँ लगाना है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है ए और एन में कि कैसे पुट करें। आपको ध्यान रखना है ए और एन, मैं आपको बताते भी जा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमें स्कूल में पढ़ाया ही जा रहा है बचपन से ए ई आई ओ यू, वोवेल के सामने हमें एन का प्रयोग करना है। बट फिर भी हम ये रूल अप्लाई करने के बाद भी हम गलतियां कर ही देते हैं। ए ई आई ओ यू को अप्लाई करने के बाद भी हम ये गलती करते ही हैं कि हमारा जो है वो आर्टिकल गलत हो गया। सर हमने ए ई आई ओ यू का रूल भी अप्लाई किया था बट आर्टिकल गलत हो गया, एन लगाना था। बट आपको ये नहीं फॉलो करना है, आपको फॉलो करना है हिंदी के आ से लेकर अंग तक, आपने हिंदी का स्वर तो पढ़ा ही होगा। हिंदी के स्वर में आ से लेकर अंग तक में जितने भी अक्षर आते हैं, इन अक्षर से कोई भी वर्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कहते प्रोनाउंसिएशन यदि स्टार्ट होता है तो उसमें हम एन लगाएंगे, बट इट शुड बी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर होना चाहिए और वो भी काउंटेबल नाउन होना चाहिए। नाउन तो आपको पता है सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन होते हैं, तो वो जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, तो विशेष ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती हैं तो उसमें हम ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और दा जो है आपको पता है दा स्पेसिफिक चीज़ों को बताने के लिए किया जाता है। स्पेसिफिक चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी नाउन पर हम ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से उसको हम हाईलाइट करने के लिए हम दा का प्रयोग करते हैं। दा अब बचपन से पढ़े ही हैं, किसी भी जैसे 7 वंडर्स हैं उनमें हम दा लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको, अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को इतना डीप में डिस्क्राइब कर पाएं, इसीलिए मैं ऊपर ऊपर थोड़ा सा जानकारी आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। इसी फिल इन द ब्लैंक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है प्रीपोजिशन से। प्रीपोजिशन से क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से प्रीपोजिशंस आ सकते हैं, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट है, ऑफ है, ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, फ्रॉम, से, सिंस, फॉर, विद, अंडर, अबव, बिलो, बिटवीन, अमंग एंड इनटू। ये सारी जितने भी प्रीपोजिशन है इनके सभी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। मेरे वीडियो के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, इनको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो इनके छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उनको यदि हम दिमाग में रखते हैं तो हम इनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले इन, इन कहाँ यूज़ किया जाता है, इन यूज़ किया जाता है, आपको ध्यान रखना है इन कोई भी चीज़ जो किसी के अंदर हो, अंदर इन यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जस्ट लाइक आई एम सिटिंग इन द क्लास, ऑन का प्रयोग कोई चीज़ किसी के ऊपर, सरफेस के ऊपर रखी हुई हो तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं।
अब मैं इतना डीप मन इसमें नहीं बता पाऊंगा, ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी होते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हैं, आप समझिए थोड़ा सा इस चीज को। जैसे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो हमने बात किया इनका, इनको मैंने बताया, जैसे कोई किसी चीज के हम अंदर हैं तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आई एम सिटिंग इन द क्लास, आई एम इन माई रूम, एंड अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम तो हम इन जो है वो टाइम के पहले कब लगा सकते हैं, इसमें लगाना है हमको। जैसे हमने कोई मंथ नेम हो गया, इन जनवरी, इन फेब्रुवरी। अगर हम बात करते हैं ईयर नेम, तो इन 2013, इन 2014। और बात करते हैं इन का प्रयोग आप कर सकते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे नाउन हैं जिनका प्रयोग, जिनके सामने हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ऑन। ऑन भी वैसा ही है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी है। ये सभी वर्ड जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, समय के साथ भी लगाए जाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ, अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ऑन के पहले हम ऑन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ऑन लगाने के लिए हमको देखना है कि जैसे ऑन लगेगा आपका डे, जैसे मैं डे की बात करता हूँ तो ऑन संडे, ऑन मंडे। और बात करते हैं ऑन लगता है डेट के पहले, डेट पर बात करते हैं, जैसे सपोज आपका जन्मदिन है 27 जुलाई को, तो अगर हम बात करते हैं माई बर्थडे इज ऑन 27th of July, तो डेट एंड डे के पहले हम ऑन का, ऑन को पुट करते हैं। उसके बाद है एट, एट का मतलब होता है पर, जस्ट लाइक दैट। एट कोई स्पेसिफिक प्लेस हो गया, जैसे हम बात करते हैं एट स्टेशन, एट स्कूल, एट प्लेटफॉर्म, एट द टॉप पर हम एट का प्रयोग करते हैं। ऑफ जो है ओ एफ और ओ डबल एफ, ओ एफ ध्यान रखिएगा आप, ओ एफ जो है वो बताता है रिलेशन और ओ डबल एफ हमेशा सेपरेशन बताता है, ये अलगाव बताता है, ये चीजों को अलग करता है और ये चीजों को जोड़ता है, ये हमेशा रिलेशन बताने का काम करता है ओ एफ, और ओ डबल एफ सेपरेशन बताता है, अलगाव होता है, ध्यान रखिएगा। हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर ओ एफ और ओ डबल एफ हम कहाँ लगाएं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे द कलर ऑफ दिस पेन इज वाइट, द कलर ऑफ दिस पेन इज वाइट की बात करता हूँ, तो मैंने बताया द कलर ऑफ दिस पेन, कलर और पेन का संबंध बताने के लिए मैंने ऑफ का संबंध बताने के लिए ओ एफ का प्रयोग किया। बट जैसे ही मैं ओ डबल एफ की बात करता हूं तो ओ डबल एफ सेपरेशन बताएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही यूज करते हैं स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ध्यान रखिएगा, स्विच ऑफ द लाइट, पुट ऑफ योर शूज, पुट ऑफ योर शूज, अपना जूते उतारो, मतलब जूते जो है पैर से अलग हुए, स्विच ऑफ द लाइट, आपने जैसे ही बंद किए तो कुछ कनेक्शन तो कटा ना, तभी तो आपकी बल्ब बंद हो गई, ध्यान रखिएगा। अब जैसे छत से कूदा तो आई जम्प्ड ऑफ द रूफ, छत से कूदा तो अलगाव ही दिखा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ओ डबल एफ का यूज करते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम का तो प्लेस के पहले भी किया जाता है, समय के पहले भी किया जाता है, ठीक है। आप फ्रॉम तो बहुत पहले से ही जानते हैं, बचपन से ही आप लोग इसका यूज भी कर रहे हैं। फ्रॉम का प्रयोग से के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग प्लेस के पहले भी किया जाएगा। उसके बाद आते हैं सिंस और फॉर। सिंस और फॉर आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉर का मतलब अगर बात करें, सेंस सिंस का मतलब होता है चूंकि भी होता है, अगर हम कंजंक्शन से लेते हैं। फॉर का मतलब होता है के लिए। बट अगर हम बात करते हैं कि यहां पर सर हम प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, तो प्रीपोजिशन की तरह यूज करने के लिए हमको थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन तीन टेंस में हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर का, सिंस का प्रयोग किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम में और फॉर का प्रयोग किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे उन समय जिनका हम नाम जानते हैं, जिनको हम नाम से डिनोट करते हैं, ऐसे समय जिनको हम नाम से डिनोट करते हैं उसके सामने हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और ऐसे समय जिनमें हम नाम से नहीं बुलाते उनको अवधि के रूप में हम जानते हैं उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आपके सामने है सिंस जनवरी, सिंस फेब्रुवरी, सिंस संडे मंडे, सिंस मॉर्निंग इवनिंग, सिंस लास्ट नाइट। अगर मैं बात करूं डे नेम, ईयर नेम, मंथ नेम, ध्यान रखिएगा डे नेम, ईयर नेम, मंथ नेम, मॉर्निंग इवनिंग, चाइल्डहुड, यस्टरडे के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग फॉर टू डेज,
फॉर टू मंथ्स, फॉर टू वीक्स, फॉर लॉन्ग टाइम के साथ हम फॉर का प्रयोग करेंगे। आप यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो, आप इसे लिख भी सकते हैं। विद का प्रयोग जब कोई कार्य हम किसी उपकरण की मदद से करते हैं या कोई किसी चीज से करते हैं कोई कार्य, तो हम विद का प्रयोग करते हैं। लाइक आई एम राइटिंग अ लेटर विथ पेन, आई एम कटिंग वेजिटेबल विथ नाइफ, आई एम राइटिंग अ लेटर विथ पेंसिल टू, आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं, पेंसिल से भी हो गया। अंडर का प्रयोग होता है, अंडर का मतलब होता है नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे। अब हम बात करते हैं कि अंडर का प्रयोग सर यहाँ हम कैसे करें, तो अंडर का मतलब होता है नीचे। तो मेरी बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अंडर ऐसी चीज जिसके नीचे आप हैं बट डायरेक्टली वो आपसे टच नहीं है, वहाँ पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप किसी पेड़ के नीचे हैं, पेड़ के नीचे तो आप हैं लेकिन आप उससे टच नहीं हैं, तो हम क्या कहेंगे, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप यदि टेबल के नीचे चले जाएं, तो टेबल के नीचे तो आई एम अंडर द टेबल। आपका मोबाइल टेबल के नीचे गिर जाए तो माई मोबाइल इज अंडर द टेबल, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी जगह पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। अबव का मतलब होता है, अबव हमेशा जो है लेवल बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई चीज हॉरिजेंटल होती है, ठीक है, तो अबव का प्रयोग, सॉरी हाँ हॉरिजेंटल होता है ये अबव का प्रयोग। और बिलो भी लेवल बताने के लिए किया जाता है, जैसे कि अबव। तो अबव जैसे मैंने कहा कि कोई चीज किसी से ऊपर है या फिर कोई चीज किसी से नीचे है। जैसे आपकी किताबों में कई लाइनें बनी होती हैं, तो हम कह सकते हैं दिस लाइन इज अबव दिस लाइन या दैट लाइन इज अबव दिस लाइन। तो इस लाइन के ऊपर ये लाइन है या इस लाइन के ऊपर ये लाइन है, दिस लाइन इज बिलो दिस लाइन या दैट लाइन इज बिलो दैट लाइन। तो हम बात कर सकते हैं ये इस लाइन के नीचे ये लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये लाइन है। तो अबव और बिलो का प्रयोग जो है वो मेनली आपने जरूर देखा होगा, कहीं वाटर डैम देखा होगा, वाटर डैम में लेबल मीटर लगा होता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि वाटर लेवल इज अबव 5 मीटर और 6 मीटर और बिलो 5 मीटर 6 मीटर, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आता है हमारा बिटवीन। बिटवीन का प्रयोग होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में काम होता है, दो ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम क्या करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और अमंग जो होता है वो दो से अधिक ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स बिटवीन टू स्टूडेंट्स या बिटवीन ही हिम एंड यू, या फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स बिटवीन राम एंड श्याम। ओके, बात करते हैं अमंग की बात जब मोर देन टू होता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन। इनटू का प्रयोग कब करते हैं हम, इनटू का प्रयोग करने के लिए हमारे पास, ध्यान रखिएगा, इनटू का प्रयोग हम करते हैं जब कोई चीज गतिमान अवस्था में होती है, गतिमान। लाइक मैं अपने कक्षा में जा रहा हूं, तो आई एम गेटिंग इन टू माई क्लास, और तब मेरी अवस्था रनिंग की होती है, तब हम बात करते हैं। हाँ बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है डिटरमिनर्स से। डिटरमिनर्स जैसे कि सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। हमेशा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमें कहाँ लगाना है, सम, एनी, मच, मेनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है सम का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव। सम का मतलब होता है कुछ, थोड़ा, एनी का मतलब भी होता है कुछ, थोड़ा, बट ये नेगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है, ये पॉजिटिव में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं बताऊं, आई हैव सम बुक्स, अच्छा ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आई हैव सम कॉफी, आई हैव सम टी, आई हैव सम बुक्स, इट मीन्स, अच्छा इस ये हमेशा प्लूरल के साथ, यदि हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन का तो सम के साथ प्लूरल नाउन यूज होता है, एनी के साथ सिंगुलर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल और प्लूरल दोनों, ये सभी प्रकार की चीजें इसके साथ यूज हो सकती हैं। बट एनी जब आता है तो वो आता है नेगेटिव से, ध्यान रखिएगा आप। आई हैव सम बुक्स और नेगेटिव बनाना है तो आई हैव नॉट एनी बुक्स, आई हैव नॉट एनी बुक या बुक्स, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेरे पास किताबें या किताब। मच और मेनी का मतलब होता है कई, बहुत, बट मच जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, मेनी होता है काउंटेबल।
जैसे आई हैव मेनी फ्रेंड्स, ये आई हैव मेनी फ्रेंड्स एक्चुअली में पॉजिटिव में हम मेनी का प्रयोग नहीं करते हैं, कहीं आप लोगों ने हमेशा हम अपने नॉर्मल भाषा में तो हम यूज कर ही रहे हैं कि आई हैव मेनी फ्रेंड्स, बट ये आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो है वो मेनी फ्रेंड्स की जगह पर अलॉट ऑफ फ्रेंड्स होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेनी है ये नेगेटिव से आता है ना कि पॉजिटिव में। ओके, फिर आता है लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, नाम मात्र का, इसका मतलब भी होता है थोड़ा, बट थोड़ा ज्यादा, इसका मतलब है जो कुछ भी है सब कुछ थोड़ा, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा ये नेगेटिव सेंस देता है, ये पॉजिटिव सेंस देता है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस देता है, ध्यान रखिएगा। और इसको आप कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, जरूर आएगा, 100% आना ही है। फिर है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। जैसे ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होता है, ये होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। उसी प्रकार फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, इसका मतलब भी थोड़ा, लेकिन नाम मात्र के लिए नेगेटिव सेंस देता है ये, और अ फ्यू जो है वो ये भी, ये थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन ये पॉजिटिव सेंस देता है, और ये हमें दोनों सेंस देगा, पॉजिटिव और निगेटिव। मॉडल्स में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उठते हैं मॉडल से उठेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड। हमें इतनी चीजें पढ़ ही लेना है, कैन का मतलब होता है सकना, कुड का मतलब सका, मे मतलब सकना, लेकिन मे जो है पॉसिबिलिटी बताता है, ये हमारी क्षमता बताएगा, कुड जो है पास्ट की क्षमता बताएगा, माइट जो है वो नाम मात्र की पॉसिबिलिटी बताता है, मस्ट जो है वो 100% ऑब्लिगेशन बताएगा, शुड जो है आपका वो बताता है सुझाव, और वुड जो है वो आपका किसी की इच्छा जानना या इच्छा बताने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और पास्ट हैबिट के लिए मेनली आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पास्ट हैबिट से रिलेटेड ही पूछा जाएगा वुड का प्रयोग। तो आप थोड़ा सा इस पर, अभी समय का अभाव होने के कारण हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उठता है मैच द फॉलोइंग से। मैच द फॉलोइंग जो होते हैं वो आपको सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को देख लेना है एक बार, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन्हीं में से 100% उसी में से ही फंसेगा, बाहर नहीं जाएगा उसका। अच्छा देखते हैं कि उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसमें पूछा जाएगा अनटिल का प्रयोग, टिल का प्रयोग, अनलेस का प्रयोग, एज सून एज का प्रयोग, व्हाइल का प्रयोग है, When है, after, before and so that, इतनी सारी चीज़ें हैं। यदि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो आप आसानी से उन सेंटेंस को बना पाएंगे। एक्चुअल में क्या होता है, वो सेंटेंस को मैच करना होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाना होता है। आधा सेंटेंस इस कॉलम में लिखा होता है, आधा सेंटेंस उस कॉलम में लिखा होता है। आफ्टर बिफोर का यूज है, बहुत ही आसान होता है। आफ्टर मतलब होता है बाद में, बिफोर मतलब होता है पहले। अनटिल का मतलब होता है जब तक के नहीं, टिल का मतलब होता है तक, मतलब ये समय के साथ ही प्रयोग किया जाएगा। अनटिल का प्रयोग ऐसा बताया जाता है जैसे जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, अनटिल यू कम आई विल नॉट गो, अनटिल यू कम आई विल नॉट गो, आई विल बी देयर टिल 2 o'clock, मैं वहां 2 बजे तक आ जाऊंगा, 2 बजे तक के लिए हम बात करते हैं। अनलेस, अनलेस और इफ का प्रयोग मेनली पूछा जाता है, इफ नॉट इसमें मैंने मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे उठता है कि रिमूव इफ नॉट यूज अनलेस, रिमूव इफ नॉट यूज अनलेस, ध्यान रखिएगा। तो या तो अनलेस होगा या तो इफ नॉट होगा, जैसे अनलेस यू स्टडी यू विल फेल, इफ यू डोंट स्टडी यू विल फेल, ध्यान रखिएगा। एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, वाइल का प्रयोग, वाइल और वेन में हमेशा कंफ्यूजन होता है जब दो कार्य एक ही साथ साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, एक ही समय पर चल रहे होते हैं, तब हम वहां पर वाइल का प्रयोग करेंगे। एक काम के रुकने से दूसरा, एक काम के रुकने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो तब हम वेन का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक काम रुकने के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो तो वेन, दोनों काम जारी हो तब हम क्या लगाएंगे, वाइल। वाइल का मतलब होता है दौरान, जैसे बारिश होने के दौरान वह पढ़ रहा था, या मैं सो रहा था वह जाग रहा था, तब हम दोनों काम एक साथ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर जैसे मैंने वेन की बात की, जब वह मेरे घर आया तब मैं लिख रहा था, तो मेरे घर आया मतलब मेरे घर आ चुका, आम का काम खत्म, तब वहां पर हम वेन का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा इसमें ध्यान दे दीजिएगा, बन जाएगा आप लोगों से। अनसीन पैसेज की बात करते हैं, तो अनसीन पैसेज तो अनसीन ही है, जो कि आपने देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा है, तो उसके लिए तो हम इस पर बात ज्यादा कर नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर भी आप जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे आप देख लेंगे तो उसमें से मोस्ट प्रोबेबली फंसने के चांसेस हैं। इसमें क्वेश्चन एंड आंसर जो हैं वो आपके वैसे भी कोर्स से कुछ चीज़ें कम कर दी गई हैं,
70 और 75 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद करने हैं, पूरे जितने भी फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट से लास्ट तक आप देख लीजिएगा उसको। इसी में से आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आप यदि उन्हीं में से पढ़ते हैं तो भी आपके पॉसिबिलिटीज जो हैं ज़्यादा इसमें आपके क्वेश्चन फंसने के। नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन पर बात करते हैं कि एप्लीकेशन सर कौन सा एप्लीकेशन याद करें, क्या करें। वो देखिए एप्लीकेशन में हमारे पास हमने 3-4 एप्लीकेशन लिखे हुए हैं आपके लिए। सबसे पहला तो है आपको राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। मतलब आपको बुक बैंक से बुक लेना है, उसके लिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है आप समझिएगा। क्वेश्चन आता है सपोज यू आर रमेश कुमार शर्मा लिविंग इन दिल्ली, ओके, तो आपको वही एड्रेस वही चीजें वही पुट करनी होती है कभी कभी। या फिर यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल और राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो कुछ भी हो सकता है। लेटर और एप्लीकेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी एड्रेस और जो भी नाम दिया होगा वही हम एड्रेस और नाम पुट करेंगे। अपने हिसाब से आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपके नंबर जो है पूरे कट जाएंगे। हाँ, तो पहला है जो आपका एप्लीकेशन है इशू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। दूसरा है आपको दूसरा एप्लीकेशन तैयार करना है, आपको परमिशन लेना है। किससे लेना है परमिशन? प्रिंसिपल से परमिशन लेना है ताकि आप अपने स्कूल के साथ अपनी क्लास के साथ पिकनिक जा सकें। ग्रांट परमिशन टू योर क्लास टू गो टू पिकनिक। आप अपने प्रिंसिपल से परमिशन मांग रहे हैं कि आपकी क्लास को पिकनिक जाने की अनुमति दे। नेक्स्ट है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वेरी कॉमन है, बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट बहुत ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और चौथा है फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट मैं इसकी 99% तक की पॉसिबिलिटी रहती है, ये क्वेश्चन में फंसना ही फंसना रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लेटर। अब लेटर में कौन कौन से लेटर है? लेटर है आपको लिखना है, सबसे पहला है फादर को लेटर लिखना है। अच्छा, नाम पता कुछ भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आपको अपना नाम पता नहीं लिखना है, फिर भी मैं इसमें बात कर रहा हूँ, अगेन मैं आई एम टेलिंग यू, ओके। हाँ, लेटर में हम बात करते हैं फादर। फादर को लेटर लिखना है, क्या लिखना है? इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर स्टडी एंड हॉस्टल लाइफ। आपने हॉस्टल लाइफ तो सुना ही होगा, हॉस्टल लाइफ के बारे में अपने पिताजी को पत्र लिखना है। और इसमें कई बार आप ये भी हैं, यू आर लिविंग इन हॉस्टल एंड यू आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम ए फादर। आप अपने पिताजी से पैसे मांगने के संदर्भ में भी अपने पिताजी को एक पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अपने फ्रेंड को पत्र लिखना है कि वो अपनी गर्मी की छुट्टी जो है वो आपके साथ आकर बिताए। क्या लिखा है? इनवाइट फ्रेंड एंड आस्क हिम टू स्पेंड हिज वेकेशन विथ यू। ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन आपके बुक में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उठ रहा है वो है इनवाइट फ्रेंड, अपने दोस्त को इनवाइट करना है। इनवाइट योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी भी हो सकता है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम टू इनवाइट हिम इन योर बर्थडे पार्टी और योर ब्रदर्स मैरिज और सिस्टर्स मैरिज, वॉट एवर इट मे बी, ओके, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान रखना है। अभी कुछ पोर्शन और बचा हुआ है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता ही होगा, आप लोगों ने स्कूल में पहले से ही प्रैक्टिस की होगी पैराग्राफ राइटिंग पर। पैराग्राफ में क्या लिखना है, हमें पैराग्राफ बनाकर कोई भी कुछ पॉइंट्स दिए होते हैं, सपोज पॉल्यूशन प्रॉब्लम या पॉपुलेशन प्रॉब्लम देगा तो उसमें कुछ पॉइंट्स दे दिया जाएगा आपको कि उन पॉइंट्स पर ही आपको पैराग्राफ लिखना है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर आप इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेंगे। नोटिस जो है बेसिकली कंपटीशन पर ही दिया जाएगा आपको। कंपटीशन सपोज आपके स्कूल में कोई मैच, क्रिकेट मैच आयोजित किया जा रहा है या फिर आपका कोई भी कंपटीशन, क्विज कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है आपके स्कूल में, तो उसी से रिलेटेड नोटिस आपको पूछा जाएगा। नोटिस बनाना आप जरूर सीख लेंगे। नोटिस में ध्यान रखिएगा, जब भी आप नोटिस बनाएं तो एक बॉक्स जरूर बनाइएगा नोटिस बनाने के बाद। यदि आपने नोटिस सही लिखा हुआ है, यहाँ स्कूल का नाम लिखेंगे कैपिटल्स में, ठीक है, उसके बाद आप नोटिस लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर नोटिस लिखने के बाद आपने यदि बॉक्स नहीं बनाया है तो आपके नंबर जो है वो कट सकते हैं, तो बॉक्स जरूर बनाइएगा नोटिस लिखने के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा डू एज डायरेक्टेड से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हमेशा
सोचते रहे हैं कि डू एज डायरेक्टेड क्या होता है। डू एज डायरेक्टेड का मतलब अगर हम समझे तो जैसा दिशा निर्देशित किया गया है वैसा ही करना है। डू एज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड मतलब निर्देशित किया गया है। तो निर्देशन के लिए हमारे पास यहाँ पहले से ही कुछ लिखा होता है जो ब्रैकेट में लिखा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट, चेंज दिस सेंटेंस इंटू पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, कुछ भी हो सकता है। सपोज वो तो पॉजिटिव ही लिखा हुआ है ना, ही प्लेज क्रिकेट पॉजिटिव, तो उसमें लिख दिया चेंज दिस सेंटेंस इंटू निगेटिव, यहाँ लिखा रहेगा निगेटिव। तो अगर हमें निगेटिव लिखा है तो अब उसका हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले ये कौन से टेंस में है, तभी तो आप उसको निगेटिव चेंज कर पाएंगे। अगर वो नहीं बनेगा, यदि आपसे बेसिक अभी टेंस नहीं आता है तो भी ये समस्या है, ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको ये फॉर्मेशन आपको ना बने। इसमें चार फॉर्मेट हो सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोनिगेटिव। ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव, निगेटिव जो आपका लास्ट होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव निगेटिव, ध्यान रखिए। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा टेंस के, आपके 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमारे 12 टेंस हो गए। 12 टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं और अलग अलग मेन वर्ब भी पुट किए जाते हैं अलग अलग अकॉर्डिंग टू दैट टेंस। ओके, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लीजिएगा। नेक्स्ट है इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस क्या होता है? इम्फैटिक सेंटेंस वो दैट मतलब किसी सेंटेंस पर इम्फोसाइज करते हैं। इम्फोसाइज मतलब होता है जोर डालना। जैसे मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ, अगर मैं इसी को थोड़ा सा, मैं खाना खाता हूँ, दिस इज सिंपल सेंटेंस, अगर मैं इसी को थोड़ा सा इम्फोसाइज करूँ, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं पढ़ता तो हूँ, दिस इज कॉल्ड इम्फैटिक सेंटेंस। इम्फैटिक सेंटेंस का एक एग्जाम्पल जरूर बता देता हूँ आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता ही है। जैसे लिखा हुआ है ही प्लेज, या कोई भी ऑब्जेक्ट भी पुट कर सकते हैं, क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब मुझे इम्फैटिक बनाना है इसको, तो इम्फैटिक बनाने के लिए मुझे इसका हेल्पिंग वर्ब इसी वाक्य में पुट करना पड़ेगा बिना किसी चेंज के। देखिएगा, ही डज प्ले क्रिकेट। अब यहां पर मैंने डज हेल्पिंग वर्ब पुट किया है क्योंकि इसका पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब हम नहीं लगाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे टेंस होते हैं जिनके पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, निगेटिव सेंटेंस से हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। लेकिन हम जब इम्फैटिक बनाते हैं तो इसके पॉजिटिव सेंटेंस में ही हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं। जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब पुट करते हैं तो इसका जो V5 है, वर्ब का पांचवा फॉर्म, या फिर वर्ब के साथ एस या ईएस फॉर्म पुट करते हैं, वो एस या ईएस हट कर उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट हो जाता है। यहाँ पर यही विशेष ध्यान देना होता है हमें। कई बार बच्चे हेल्पिंग वर्ब तो पुट कर देते हैं लेकिन यहाँ पर फिर इसको प्लेस ही कर देंगे तो भी गलती हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पहले ही V5 यूज कर चुके हैं, तो दोबारा हम V5 या वर्ब का एस या ईएस फॉर्म दोबारा पुट नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो सेम ऐसे ही, जैसे आई प्ले क्रिकेट अगर हम पुट करते हैं तो आई डू प्ले क्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी समस्या नहीं होती है। वेन और वाइल का प्रयोग सेम फिर से आया है, वह मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। जब दो कार्य साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं तब हम वाइल का प्रयोग करेंगे, और जब एक कार्य खत्म होकर दूसरा काम स्टार्ट हो तब हम वेन का प्रयोग करेंगे। वुड और यूज्ड टू दोनों ही पास्ट हैबिट बताने के काम आते हैं, बट आपको वुड में रीजन दिया होगा और यूज टू में रीजन नहीं दिया होगा, ध्यान रखिएगा। वुड में, जैसे व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड, व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड आई वुड ईट 10 चपातीज, आई वुड ईट 10 चपातीज, जब मैं 10 साल का था तो मैं 10 रोटी खा लिया करता था या खाता था। नेक्स्ट है यूज टू गो टू पार्क, डायरेक्ट आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको इसमें रीजन देने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन टैग पर आते हैं, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा? क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन उठेगा ही, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग में आपको ध्यान रखना है कि जैसे सपोज दैट लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, अब इसका क्वेश्चन टैग यहां ब्लैंक दिया रहेगा, क्वेश्चन टैग है। अब इसमें हमको कैसे बनाना है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, जब ये वाला वाक्य आपका पॉजिटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा निगेटिव बनेगा, और जब ये वाला वाक्य आपका निगेटिव है तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट तो इसका क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, इसका बनेगा डजंट ही, और यदि मैं लिख देता हूं ही डज नॉट प्ले क्रिकेट तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डज ही, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ये तो क्वेश्चन टैग हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा ऐसे, ऐसे में हम क्या पूछा जाएगा, ऐसे में 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। वंडर ऑफ साइंस मोस्ट कॉमन है,
आएगा ही आएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है, सभी सेट में फंसता ही है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, माई हॉबी आप देख लेंगे, और कोई भी एक फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल, दिवाली, होली, दशहरा, व्हाटएवर, ओके। तो बच्चों यहीं पर जो है ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीट होता है। आप इन सभी चीज़ों को, सभी बारीकियों को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका इंग्लिश में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बस इसी के साथ मैं आज का सेशन ओवर करता हूँ। थैंक यू।